अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ, रिव्यू के साथ, और ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगी क्योंकि ये वाकई बहुत अच्छा ब्रांड है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इस ब्रांड को। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि जो बिगनर्स होती हैं लड़कियाँ जिन्होंने स्किन केयर अपनी अभी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, वो उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या चीज़ लगाएं, किस तरह से शुरू करें अपनी रूटीन, स्किन केयर रूटीन। मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं इतनी उनकी स्किन ख़राब हुई होती है, बिल्कुल वो केयर नहीं करती अपनी स्किन की, बेड़ा गर्क हुआ होता है उनकी स्किन का, ना कि वो सनब्लॉक यूज़ करती है, ना कोई सनस्क्रीन, ना कोई मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं। और वो क्या यूज़ करती हैं, वो कहती हैं गोल्डन पर्ल मिक्स क्रीम में और पता नहीं क्या, जो सस्ती सी मार्केट में मिलने वाली लोकल क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं जो उनकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर देती हैं। तो जो बिल्कुल बच्चियां होती हैं जिस तरह के कॉलेज को स्कूल को बिल्कुल भी नहीं, स्कूल गर्ल्स जो हैं जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनब्लॉक लगाएं, इसके अलावा और कुछ भी ना लगाएं। तो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और सनब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या अभी आपने स्टार्ट लेना है कि किस तरह से हम अपनी रूटीन सेट करें, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लो, एक विटामिन सी सीरम लो और एक सनब्लॉक लो। सीरम जो मैं आपको बताऊंगी वो भी इसी जेन फॉर्म का ही बताऊंगी। सीरम इनका विटामिन सी सीरम बहुत ज़बरदस्त है, सीरम भी बहुत अच्छा है, इनका मॉइस्चराइज़र और ये सनब्लॉक भी बहुत अच्छा है। तो ये वाला जो सीरम सॉरी मॉइस्चराइज़र है ये ख़त्म हो चुका है और ये मैंने गर्मियों में यूज़ किया था। अब बात ये मतलब वो कहते हैं कि जी मॉइस्चराइज़र जो है सर्दियों में लगाना चाहिए, गर्मियों में लगाने की क्या ज़रूरत है? तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की गर्मियों सर्दियों में दोनों में ही ज़रूरत होती है। ये ऑयल फ्री है, ये आप गर्मियों में यूज़ करें और ये आप सर्दियों में यूज़ करें। ये मैं गर्मियों में यूज़ करती रही हूँ और ये मैंने सर्दियों में मंगवाया, सॉरी। तो अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लिकी हुई होती है, बहुत ड्राई हो चुकी होती है, तो उसके लिए ना ये वाला बेस्ट है मॉइस्चराइज़र। ऑयल अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ऑयली मतलब ऑयली जो है ये लोशन है और बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा इसका टेक्सचर है, और लेकिन साथ ही ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है विथ SPF 20। हम अगर इसको यूज़ करते हैं दिन के टाइम तो अगर आप घर पे हो तो आप जस्ट मॉइस्चराइज़र लगा लो, और अगर आपने बाहर जाना है तो साथ सनब्लॉक लगाओ। अगर आप साथ विटामिन सी यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी आप रात को यूज़ करोगे, अभी वो मेरे पास नहीं है सीरम, मैं उसकी पिक्चर आपको लगा दूंगी एंड पे कि कौन सा वो सीरम था, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी। वो सीरम मंगवा लें, एक मॉइस्चराइज़र मंगवा लें, अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही है, आप ये वाला ना मंगवाएं, आप ये वाला मंगवा लें। जिनकी ऑयली स्किन है वो ये वाला मंगवा लें, जिनकी ड्राई स्किन है वो ये वाला मंगवा लें, और ये वाला सनब्लॉक मंगवा लें, और एक सीरम मंगवा लें। रात को आप किसी अच्छे फेस वॉश के साथ अपना मुंह धो लें और सीरम लगाएं, ठीक है। सीरम के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। हम कोई भी जब सीरम यूज करते हैं ना तो उसको लॉक करने के लिए हमने ऊपर मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना होता है ताकि उसके जो बेनिफिट्स है ना वो लॉक हो जाए हमारी स्किन के अंदर और वो हमें फायदा दें। तो मॉइस्चराइजर लगा के आप सो जाएं, सुबह उठें मुंह हाथ धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनब्लॉक लगाएं, ठीक है। सनब्लॉक स्किप नहीं करना आपने किसी सूरत भी, दिन के टाइम आप मॉइस्चराइजर अवॉइड मतलब स्किप कर दो, लेकिन सनब्लॉक स्किप नहीं करना। जब आप विटामिन सी सीरम यूज कर रहे होगे ना तो फिर तो किसी सूरत भी आपने सनब्लॉक को स्किप नहीं करना। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह गई है तो अच्छा, हाँ प्राइस प्राइस रहेगी है, प्राइस मैं आपको
साथ साथ मेंशन कर देती हूँ कि ये सारे थाउजेंड अंडर थाउजेंड ईयर से ज्यादा नहीं है, थाउजेंड से ज्यादा नहीं है इनकी प्राइस। आई थिंक सो ये 800 का है, ये भी 800 का है, और सीरम आपको मिलेगा 1500 का। और इनकी अक्सर ही वेबसाइट पे ना सेल लगी होती है और फ्री शिपिंग मिल रही होती है आपको, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, अगर सेल नहीं भी है तो भी आपको अपनी स्किन की केयर तो करनी है ना, आप लेके आओ, मंगवाओ, जिस तरह भी है, और अपनी स्किन की केयर करो, अपने खुद से प्यार करो, आप अपनी स्किन से प्यार करो। ठीक हो गया, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी वीडियोस पे व्यूज काफी होते हैं, लेकिन मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ना आप लोग, तो काइंडली मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली और मजीद हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन भी आप लाजमी दबा लें, वो जो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल आइकन लगा होता है, आपने उसको भी क्लिक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आपको ये 6 माह के अंदर अंदर इस ट्यूब को ख़त्म करना होता है, ये लिखा होगा 6 माह, ठीक है, ये 6M लिखा होगा, फोकस नहीं हो रहा वरना मैं आपको दिखा सकती, ये यहाँ पे आप कोई भी जब प्रोडक्ट लेते हो ना, अक्सर वहाँ पे इस तरह का ये बॉक्स जो बना होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है कि आप कब तक इसको यूज़ कर सकते हो, किसी पे 12 लिखा होता है 12M, किसी पे 6M, तो जेनफॉर्म की अक्सर चीज़ों पे ना 6M लिखा होता है, सनब्लॉक पे भी लिखा हुआ है, लेकिन सीरम पे नहीं है। और सीरम जो इनका ब्राइटनिंग सीरम है, वो आपने कितने कतरे लेने हैं, वो 2 से 3 कतरे आपने उसके लगाने हैं। ठीक है, अब ये जिन्होंने अभी स्टार्ट लेने ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करेंगे और बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, आपने जस्ट 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगा लेने हैं चेहरा वॉश करने के बाद। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो ना तो आप उसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगी, इस वेबसाइट का, जेनफार्म का, और वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना तो ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे ये वाला लाजमी मिलेगा, जेनफार्म का ब्रांड। मैंने जहाँ पे भी देखा ना, जिस भी आप फार्मेसी पे चले जाओ, आपको ये लाजमी जेनफार्म की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई मिलेंगी, तो आपको ये इजीली हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता ना तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ले लो।